देख रहे हैं 99 न्यूज़ और इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह। हमारे खास कार्यक्रम चंदन भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने भविष्यवक्ता, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, तंत्र सम्राट डॉक्टर चंदन शास्त्री, जो बताएंगे आपको आपके जीवन से जुड़ी उन तमाम समस्याओं के समाधान। शास्त्री जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार शास्त्री जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, आजकल का जो जीवन जो है वो बहुत ही चलता हो गया है, लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं और काम करने के बीच में उनके साथ तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि वो नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो लोगों का कहना है कि शायद उन्हें किसी की नज़र लग गई है, तो कहाँ तक ये बात सच है, क्या नज़र होती है? सबसे पहली बात देखिए कि आखिर नज़र तो सच होता ही है, लेकिन नज़र है क्या चीज़, पहले इसको देखना होगा। नज़र जो होता है वो आँख की रेटिना से उसको निकलता है, उसकी जो ऊर्जा है, शरीर की जो ऊर्जा है जी, वो आँख की रेटिना से माध्यम से जो है वो आपको जो है नज़र निकलता है, मतलब उसकी ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा जो है प्रकृति की ऊर्जा के साथ में मिल करके सही और निश्चित जगह पर वो कार्य करता है, जिसके चलते जो है कि सामने वाला प्रभावित होता है जी। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मानव जो है जब तरक्की की ओर जाते हैं, कोई भी इंसान, आम इंसान, इंसान जब आगे बढ़ते हैं, तरक्की की ओर जाते हैं, तो निश्चित तौर से 4-5 जो है उनके पीछे दुश्मन खड़ा हो जाता जी। है, और उनकी जो मनसा रहता है, कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनकी मनसा एक ही रहता है कि कोई भी लोग अगर आगे बढ़ता है तो उसको किसी भी तरह से बाधा पहुँचा दो, उसका विनाश हो जाए, उसको फायदा नहीं हो, ये जेलेसी के भावना बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है। लेकिन जिसके जो भावना रहता है उसी के अनुसार जो शरीर के जो ऊर्जा है वो आप काम करता है, तो वो जो ऊर्जा जो है वो सारे के सारे ऊर्जा, देखिएगा कि कोई भी आदमी काम कुछ भी करता किसी तरह से, जैसे कोई क्रिमिनल है तो उनकी आँख को देखिएगा, देखने से लगे कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, डेंजर है। कोई भी आदमी साहित्यकार है, कवि है, ध्यान में रहता, तो उनका आँख देखने से पता चल जाएगा कि आदमी सही में निश्चित तौर से साहित्यकार आदमी है, ये सब कुछ है। तो कुछ ऐसे भी लोग है जो मन में पाप रखता है, किसी को बाधा पहुँचाता है, किसी का भला नहीं देखना चाहता है, तो उसकी आँख बता देता है। और क्योंकि बताता है कि शरीर की ऊर्जा, तमाम ऊर्जा जो है वो आँख के माध्यम से जो है, और आँख के माध्यम से जो ऊर्जा जो है सामने में जो ऊर्जा निकलती है वो इन ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा के साथ मिक्स करके और मिक्सअप होकर के जिसको WW वेव, जिसको तौरंग बोलते हैं, और वो तौरंग जो है वो दिशा निश्चित प्रकृति की ऊर्जा के साथ मिक्सअप होकर सही दिशा पर जिस जगह पर वो नज़र लगा रहा है उस जगह पर वो प्रभावित होता है, जिसके चलते जो है उनको हानि होने लगता है, नुकसान होने लगता है, कार्य में रुकावट होने लगता है, उनका मति गति काम नहीं करता है, ये चीज़ होता है। लेकिन इससे बचने के लिए उपाय क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है, तो इससे बचने के लिए उपाय एक ही है, अगर इस टाइप का नज़र लग जाता है किसी भी तरह से, आपका घर में किसी तरह से, आपके प्रतिष्ठान में नज़र लग जाता है, तो उस नज़र को ठीक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ठो जो है आपको शनिवार के दिन में हरा कागजी नींबू लेना है, बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, और वो हरा कागजी को एक ठो कांच के आकर्षक गिलास होना चाहिए, जो एट्रैक्शन गिलास, किसी भी व्यक्ति का आपको नज़र पड़ने से पहले वो जो है कांच के गिलास पर उसको नज़र पड़े। अब वो क्या करना चाहिए, वो एक टेबल पर जो आपके ऑफिस है, कार्यालय है, चाहे आपके दुकान व्यवसाय का प्रतिष्ठान है, तो उस काउंटर पर जो है उस गिलास में पानी को रख दीजिए और उस पर जो है एक हरा कागजी नींबू डाल दीजिए, ताकि सामने वाला कोई भी आदमी प्रभावित पहले उस गिलास पर पड़े, और उस पर एक तो कपूर का मात्रा डाल दीजिए, एक टुकड़ा कपूर उसमें डाल दीजिएगा। तब इसको करने के बाद प्रत्येक दिन इसको क्या करना है, जब भी आप नहा धोकर सुबह सुबह प्रतिष्ठान में जब जाते हैं, आपका व्यावसायिक स्थान पर जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले काम कीजिए कि नींबू को निकाल लीजिए, उस पानी को रोड में फेंकवा दीजिए, और उसमें जो कपूर डाले थे वो कपूर जो है आपको रूम के अंदर में जो भी भगवान की तस्वीर है, चाहे और मान लीजिए दुकान व्यवसायी अगर कहीं है तो वहाँ माता लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, वहाँ पर उस कपूर का जला दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि नज़र टोक से बचेगा और आपको प्रतिष्ठान में किसी प्रकार का कुप्रभाव और जो मानव जीवन का जलेसी भाव का जो प्रभाव है वो आपके धंधा पर, आपके कारोबार पर नहीं पड़ेगा, और आप जो है सही सलामत कारोबार कर सकते हैं। शास्त्री जी, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो बहुत ही शौक से ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन उसमें घर का जो है वो निर्माण नहीं करा पाते, तो इसके पीछे की क्या वजह है? लोग ऐसा मानते हैं कि शायद मेरी भूमि पे किसी की नज़र लग गई है, इस बात में कहाँ तक की सच्चाई है? इसमें क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपके कितने वर्ष की उम्र में जी आपकी भूमि से का सुख मिल रहा है,
कितनी वर्ष की उम्र में आपका मकान का सुख मिल रहा है, ये तो प्रकृति के साथ में फिक्स है। लेकिन इसको ज्योतिष विद्या के आधार पर देखा जाए तो उसके आधार पर देखने से पता चलेगा कि इस व्यक्ति की जो है कि मकान का सुख कितना दिन में है, कितने वर्ष की उम्र में इनका सुख है और कौन सा वर्ष में इनका जो है मकान संबंधित सुख पूरी तरह से उनको सफलता मिलेगा। लेकिन इसके वजह से सबसे बड़ी चीज़ जो कि बहुत सा देखिएगा, बहुत सा जमीन जो है बनाने के बावजूद भी, खरीदने के बावजूद भी जो है उसको जमीन से संबंध को सुख नहीं मिल पा रहा, घर नहीं मिल बन पा रहा। और जमीन जब से खरीदा तब से देखिए उसका घर में कोई दुर्घटना हो जा रहा है, कोई एक्सीडेंट डेथ हो जा रहा है, चाहे और कुछ हो जाता है, कोई ना कोई जब भी घर में कुछ काम करने के चाहते हैं तो तब तक कुछ ना कुछ मुसीबत उनके सामने आ जाता है, तो उनको पैसा खत्म हो जा रहा है। तो एक तरह से मान लीजिए घर बनाने के लिए बेचारा कुछ काम वगैरह करके, मेहनत करके, मजदूरी करके कुछ इकट्ठा किया है पैसा, और पैसा को जैसे ही मकान में लागू करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तब तक कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता है। तो इससे सीधा सीधे देखा जाए कि वो जो जमीन खरीदे है उस जो जमीन में किसी न किसी तरह से सर्पाभिष्ट दोष है, जिसके चलते जो है कि जैसे उस जमीन का मालिक अगर बन जाएगा कोई भी आदमी, तो उस जमीन के निश्चित तौर से मालिक को उसको सुख नहीं मिलेगा। और जमीन में क्या होता है सर्पाभिष्ट दोष की समझ, तो उस जमीन में कोई सांप को मार दिया है, चाहे कोई सांप का जोड़ा को मार दिया है, कोई नाग नागिन का जोड़ा को मार दिया, जिसके कारण उस जमीन में सर्पाभिष्ट दोष बन जाता है। और उस जमीन को अगर आप खरीदते हैं बिना दिखाए हुए, बिना उसको मिट्टी चेक किए हुए अगर दिखाते हैं, तो निश्चित तौर से जो है कि वो जमीन आपके लिए कारगर और फायदेमंद नहीं होगा। और आपका जो पॉजिटिव ग्रह है, आपका शरीर की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको नुकसान होने लगेगा। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब वो घर बना लेते हैं उसके बाद उनके घर में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं, किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है या कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है। तो लोगों का यही कहना है कि बहुत ही खुश खुश होकर हमने ये घर बनाया था, लेकिन लगता है कि घर बनाने के बाद किसी की बुरी नज़र लग गई है। ये जो सवाल है जी, आज के समय में जो घर जो भी लोग बनाते हैं, चाहे कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, और चाहे बहुत मन मुताबिक घर को बनाते हैं, तो निश्चित तौर से आज के समय में जितने भी लोग घर बनाते हैं वास्तुशास्त्र के आधार पर ही बनाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के आधार पर बनने के बावजूद भी उनको पूर्णतः सुख नहीं मिल पाता है। और साथ में क्या होता है कि जब से वो वास्तु जैसे ही बना के कम्प्लीट किया, गृह प्रवेश होते होते घर में अनहोनी घटना घटने लगा। तो इसके पीछे क्या होता है कि जब हम लोग कोई मकान बनाते हैं तो समझ लीजिए कि अगर किसी का जमीन उत्तर दिशा में है और आपका पूर्व पश्चिम अगर सड़क है, रोड है, तो निश्चित तौर से आपका जो घर का जो मेन दरवाजा होगा उधर ही होगा जिधर आपका रोड होता है, ये तो निश्चित है। लेकिन हमको उसमें कैलकुलेशन करके देखना होगा, भूमि गणना एक ठो होता है, जमीन की गणना होता है, उस गणना के आधार पर देखना होगा कि इस महीना में नाक का मस्तक किधर है, और हर तीन तीन महीना के अंदर में जो है कि नाक का मस्तक चेंज होता है, बदलता है। तो जिधर नाक का मस्तक होता है उधर ही जो है उसके बाएं तरफ उसका दरवाजा बनेगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आजकल पंडित जी लोग क्या करते हैं कि जजमान जी जाते हैं, पंडित जी पूछते हैं, पंडित जी हमको कौन कोई बढ़िया मुहूर्त बता दीजिए कि हम अगर कब हम घर मकान बनाए, तो पंडित जी देखेंगे कि इस महीना में 10 मुहूर्त है, इस महीना में किसमें कर लिए। लेकिन वो जमीन का गणना नहीं हुआ, वो मुहूर्त हुआ कि शुभ मुहूर्त निकाल करके जो है कि हम घर बना रहे हैं, सब कुछ किए, लेकिन उसके अंदर भी जो है उसको गड़बड़ी है, उसका जानकार बहुत कम है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उस जमीन की गणना करते हैं और उसको देखते हैं कि नाक का मस्तक इस महीना में कहाँ है, और इस महीना में ये घर, इस जमीन में घर बना शुभ होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नाक का मस्तक में अगर चोट पहुंच गया तो घर बनते बनते कंप्लीट होते तो गृहस्वामी की मौत हो जाएगी, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे कुछ हो। अगर नाक का पूछ में अगर चोट पहुंच गया तो उसका क्या होगा, पूछ में चोट पहुंचे उनका घर में संतान की नाश होने लगेगी, संतान का दुर्घटना होने लगेगा, घर में चोरी डकैती वाला घटना घट जाएगा, पैसा का नुकसान होने लगेगा, आग लग जाएगा। अगर नाक का पेट में अगर चोट पहुंच गया तो घर में उसकी स्त्री की नाश हो जाएगी, स्त्री बीमार ग्रसित हो जाएगी, रोग ग्रसित हो जाएगी, जिसके चलते जो है कि उसको सुख नहीं मिल पाता है। इसीलिए घर मकान बनाने के लिए पहले जो है हम 99 न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम जनता को अपील करना चाहता हूँ, तमाम भक्तगणों को अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मकान बनाते हैं और उसमें किसी भी तरह का त्रुटि ना हो, उसके लिए आप 99 न्यूज़ चैनल पर आप संपर्क करिए, उसमें सही दिशा निर्देश बनेगा। इसीलिए मैं आप लोग सभी को अपील करता हूँ 99 न्यूज़ के माध्यम से।
शास्त्री जी, मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगी कि लोगों का ऐसा बहुत मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, अगर लोग एक बार या दो बार भी टोक दें, प्यार से खिलाते वक्त भी टोक दें, तो उन्हें बहुत नज़र जल्दी लग जाती है और वो रोने लगते हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है कि छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है? छोटे बच्चे जो होता है जी, वो बच्चे क्या होता है कि ब्रेन से काफ़ी सेंसिटिव रहता है जी, और ब्रेन से ज़्यादा सेंसिटिव होने के वजह से क्या होता है कि प्रकृति की ऊर्जा जो है और उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव करने का उनका ब्रेन के अंदर क्षमता रहता है, जिसके चलते जो होता है कि कोई भी थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए उसके बच्चे के विषय में तारीफ कर देता है, चाहे कोई खिलावा देता है, चाहे किसी भी तरह करता है, तो उसमें क्या होता है कि उनको नज़र हो जाता है, रात में क्या होता है बच्चे सो नहीं पाता है और ऐसा चिल्लाने लगता है, माने इतना रोने लगता है कि ताकि पूरा परिवार जो है जागे हुआ रहता है जी। तो इस जगह पर जो नज़र होता है ये तो सही होता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन का जो सेंसिटिव पोजिशन है, जो ऑर्गेन है ब्रेन में जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो प्रकृति के साथ में वो ज़्यादा जुड़ा रहता है, क्योंकि बच्चे जब बच्चे रहता है तो उनको बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं रहता है, जिसके चलते ब्रेन जो है डिवाइडेड नहीं रहता, ब्रेन उनका जो है एक जगह पर निश्चित रहता है, और उसके साथ साथ में ब्रेन का 3 पार्ट होता है जिसको कॉन्शस, अनकॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड कहते हैं। तो अनकॉन्शस और कॉन्शस का माइंड में ही सबकॉन्शस माइंड रहता है, जिसको चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन बोलते हैं। तो चेतन और अवचेतन के अंदर में बीच में ही अर्धचेतन रहता है, और जो कि अर्धचेतन होने के बाद साथ साथ में क्या होता है कि अर्धचेतन चेतन माइंड और आपका जो आपको अचेतन माइंड जो माइंड होता है, जो आपको कॉन्शस और अनकॉन्शस का माइंड के जो बीच का सबकॉन्शस माइंड है उसको बैलेंस बनाने का काम करता है। लेकिन क्या होता है कि वो बड़े में, लेकिन जब बच्चा होता है तो बच्चे का क्या होता है कि अनकॉन्शस माइंड जो है उसकी कम से कम साल से 1.5 साल तक उसका जागृत रहता है। इसलिए देखते होंगे कि आज के बच्चा जो साल भर का बच्चा है, 1 साल बच्चा है, उसको मोबाइल का यूट्यूब खोल कर दे दीजिए, वो पूरा सारा का सारा खोल देगा, उसका देखें नेट अगर बंद भी कर देगा अपना वो डाटा चालू भी कर लेता है। तो ये उसका ब्रेन इतना सेंसिटिव रहता है, अनकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा उसको सेंसिटिव रहता है कि उसको रिसीव करता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि कोई भी आदमी उस बच्चे को तारीफ कर दिया, चाहे कोई भी उसको अच्छा बोल दिया, तो उसको नज़र जो आँख के द्वारा जो ऊर्जा निकलता है वो ऊर्जा उनके शरीर को ज़्यादा प्रभावित करता है, उसको रिसीव करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के साथ में क्या होता है कि बच्चे जब सो जाता है रात में तो उसको अनकॉन्शियस माइंड जो सोता नहीं है वो जागृत रह जाता है, उसको डरावना डरावना दृश्य आने लगता है, उसको तरह तरह का वो दिखावट आने लगता है कि किसी का डरावना दृश्य है, किसी का चेहरा ऐसा है, तो इसके वजह से बच्चा सो नहीं पाता है, पूरे घर वालों को परेशान करता है। लेकिन इससे बचा कैसे जाए, सबसे पहली बात तो इसके लिए जो है कि आपको घर में किसी बच्चे, छोटा छोटा बच्चे अगर घर में है तो उस घर में फिटकरी जरूर रखना चाहिए जी। और फिटकरी का एक टुकड़ा को ले करके उसको तोड़ करके 7 बना देना है, और 7 फिटकरी और 1 पीला सरसों और 1 जो है नमक, ये 3 चीज़ मिला करके उसकी माथा से पैर तक बच्चे को 7 उतारने के बाद और उसको जो है कि आग में डाल देने से बच्चों को नज़र टोक जो है ख़त्म हो जाएगा, और वो एक प्रोटेक्शन के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में जो है वो बच्चे को काम करेगा और किसी का नज़र नहीं लगेगा जी। मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा देखने को आया है कि कई लोग की शादी लग जाती है, सब कुछ मतलब तमाम डेट्स वगैरह सब कुछ फिक्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिरी समय पे जो होता है वो डेट टल जाता है या फिर शादी में कुछ विघ्न आ जाती हैं, तो लोगों का यही कहना रहता है कि लगता है कि इतनी अच्छी शादी लगी थी पर शायद किसी की नज़र लग गई, इस बात में कहाँ तक की सच्चाई है? शादी का जहाँ तक बात है, इसमें नज़र टोक का बात, शादी का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उसकी जो जोड़ा होता है जी, आपका वर वधु का जो जोड़ा होता है वो जोड़ा ऊपर से फिक्स है, किसके साथ में शादी होगा ये भी फिक्स है जी। लेकिन शादी होकर उसको कट जाता है कि या उसको एक बार कटेगा, दो बार कटेगा, या शादी होने के बाद शादी उसका टूट जाता है जी। ये तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर जाना होगा, क्योंकि उनको 7वें स्थान जो लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, जो वैवाहिक जीवन का जो स्थान होता है, वहाँ पर अगर किसी भी तरह का क्रूर ग्रह जिसको मंगल बोलते हैं, पाप ग्रह राहु अगर बैठ जाता है और उसके साथ साथ में शुक्र का अगर दृष्टिकोण अगर हो जाता है तो निश्चित तौर से जो है कि शादी होकर कट जाएगा। शादी का सारा तैयारी होने के बावजूद भी जो शादी को उसको सफलता नहीं मिलता है और उसका शादी अगर हो भी जाता है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो जाता है। लेकिन इस मामले में क्या करना चाहिए,
जो कि शादी का वर मन देख रहे हैं, अच्छे घर में शादी हो जाए कन्या को और अच्छे वर मिल जाए, नौकरी चाकरी वर मिल जाए, सुखी संपन्नता से माने शादी सफलता मिले, और बच्ची जो है किसी के बच्ची जो है माने ससुराल में जाने के बाद उनको वैवाहिक जीवन सुख शांति मिले, ऐसे वर को कैसे किया जा सकता है, उसमें तंत्र में क्या विधान है। तो इसके लिए एक विधान यह है कि प्रत्येक दिन सोमवार को 7 बेलपत्र, 7 अकवन का फूल और 1 पाव गाय का कच्चा दूध और 1 जोड़ा मीठा पान बिना चूना लगाए हुए, इसमें चूना नहीं चाहिए, क्या है कि उसमें सुपारी कत्था सब कुछ रहेगा, किसी भी पान दुकान से आप 1 जोड़ा मीठा पान बनवा लीजिएगा और 7 पीस बेलपत्र और 7 पीस अकवन का फूल और कच्चा दूध किसी भी शंकर जी का मंदिर में जा करके शिवलिंग पर जो है उसको चढ़ा देना है और उसके साथ साथ में दूध से जो है अभिषेक कर दीजिएगा। ऐसा 7 सोमवार कर देने से क्या होगा, आपका शादी विवाह में जो विघ्न आ रहा है, बाधा पड़ रहा है, वो दूर हो जाएगा और निश्चित तौर से जो है आपका बच्ची का मंगल कामना होगा और ससुराल का सुख संपत्ति मिलेगा। शास्त्री जी, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत हंसता खेलता हुआ परिवार रहता है लेकिन अचानक से उस परिवार में झगड़े होने लगते हैं, कलह होने लगती है, तो लोगों का यही कहना रहता है कि काफ़ी अच्छा परिवार था हमारा, खुशहाल परिवार था लेकिन शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो ऐसा क्यों होता है और नज़र का प्रभाव क्यों पड़ता है इस प्रकार से? इस प्रकार से जो देखा जाए कि ज़्यादातर जो घर में देखिएगा पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता है जी। मान लीजिए किसी का बेटी को अच्छे घर देख करके शादी ब्याह दिया, मान लीजिए अच्छे परिवार को देख के दिया, उसके बावजूद उस घर में अशांति होता है जी। इसके मतलब क्या है कि उस घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। बोलने का रहता है कुछ, किसी को बोल देता है कुछ जो कि सामने वाला को हमेशा बुरा लग जाता है, तो ऐसा स्थिति में घर में क्या होता है कि एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाता है। देखिए एक बात भी क्या होगा, शादी ब्याह करने के बाद भी देखिए शादी ब्याह टूट जाता है, केस मुकदमा हो जाता है, तो ऐसे में इसका सोल्व क्या है, इसमें क्या निदान करना चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ा चीज निदान क्या है कि जिस रूम में आपका बेडरूम में है जिसमें पति पत्नी रहते हैं उस बेडरूम में शीशा नहीं रखना चाहिए। अगर शीशा आईना अगर रखते हैं तो निश्चित उस घर में जो है अशांति, सुबह उठिएगा माथा भारी रहेगा, सर भारी रहेगा, कलह अशांति होने लगेगा, ये चीज़ होता है। उसके साथ साथ में ये चीज़ को पहले बेडरूम में शीशा को पहले हटा दीजिएगा, उसके साथ साथ देखिएगा कि घर में फिर शांति के लिए आपको जो नमक होता है, जो हम लोग नमक का सेवन करते, जो हम लोग नमक से खाना बनाते हैं, उस नमक को जो है कि कांच में वायम में उसको डाल देना है और उसके साथ में 7 लौंग डाल करके, जो लौंग तो बहुत सुगंधित चीज़ है, बहुत टेस्टफुल चीज़ है, उसको जो है नमक में डाल दीजिएगा और नमक में डाल के साथ में उसको ढक्कन लगा करके घर के नैऋत्य कोण यानी पश्चिम और दक्षिण कोना में उसको रख देना है, और रख देने से ही क्या होगा कि आपका घर में सुख संपन्नता आने लगेगी, घर में सबको मानसिक शांति मिलेगी, ये चीज़ होने लगता है। और उसके साथ साथ में जो है घर में प्रत्येक दिन जो है मोटा नमक, पहले हम लोग देखते थे मोटा नमक मिलता था, अगर मोटा नमक मिल जाए तो अति उत्तम है, समुद्री नमक वो मिल जाता अति उत्तम है, और नहीं मिलता तो जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते उसी नमक से ही पानी में 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक डाल करके उस पानी को प्रत्येक दिन उस पानी से घर में पोछा लगाने से घर में सुख संपन्नता बनेगी और आपस की वैवाहिक जीवन का तालमेल बना रहेगा, घर में सुख संपन्नता और शांति का वातावरण बना रहेगा। शास्त्री जी, एक और सवाल जो जैसा कि आपने बताया कि उस कमरे में शीशा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा मान्यता है कि शायद वो शीशे में शायद बिस्तर की जो प्रतिबिंब है वो नहीं बननी चाहिए, तो इस बात में कितनी सच्चाई, कमरे में शीशा नहीं होना चाहिए या शीशे में बिस्तर की प्रतिबिंब नहीं दिखनी चाहिए? कमरे के अंदर में शीशा नहीं होता, शीशा क्या होगा वो फ्लैक्चुएट करता है जी। आपका जो बिंब जो है उसको उल्टा रिएक्शन करता है, उल्टा प्रभावित करता है, जिसके चलते जो है शरीर को जो है कि रोग ग्रसित बना देता है, इसलिए उस रूम के अंदर में आपको शीशा नहीं होना चाहिए। अगर आप शीशा रखते हैं तो उसको काला कपड़ा से उसको ढक के रखना पड़ेगा ताकि जो है कि आपका परछाई उस पर पड़े, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो शरीर की जो आपको ऊर्जा निकलती है, जो आपको शरीर के अंदर टॉक्सिकेशन है वो आपको शीशा पर रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट रिटर्निंग जो है आपके शरीर पर आ जाता है, जिसके कारण जो है आपको रोग का संभावना होने का ज्यादा रहता है, जिसके कारण हम लोग शीशा को नहीं रखते हैं।
शास्त्री जी, बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज़ हैं, जब वो घर में प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छा जवाब देते हैं, लेकिन जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, उन्हें क्रॉस लग जाता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? उसके पीछे की वजह यह है क्या कि उसके जो विद्या के स्थान पर है, जो आपको पाँचवें स्थान जो लगन कुंडली जो होता है, कुंडली के जो पाँचवें स्थान होता है उसके विद्या के स्थान में पाप ग्रह केतु होने के वजह से जो है, और साथ में अगर चंद्रमा हो जाएगा तो उसका क्या होता है कि आपको तैयारी तो सब कुछ करते हैं, दिमाग को प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन क्या होता है कि इम्तिहान के समय जब इम्तिहान परीक्षा जब देते हैं तो उस जगह पर नर्वस हो जाते हैं, जिसके चलते जो है कि उसका परीक्षा का रिजल्ट खराब हो जाता है, माता पिता हमेशा दुखी रहता है, और माता पिताजी बोलते हैं कि इतने बच्चे के पीछे खर्चा करने के बावजूद भी बच्चे रिजल्ट बढ़िया नहीं ला रहा, और उनके अंदर में मन में संदेह हो जाता है, गलत फहमी होने लगता है कि हमारे बच्चे को कोई जो है कोई ना कोई जो नजर लगा दिया है, चाहे मेरा बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन फिर उसके बावजूद भी रिजल्ट इसका परिणाम सही नहीं आ रहा है, इसके मतलब कोई ना कोई किसी न किसी का बुरा नज़र लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उस बच्चे को जो है उस बच्चे को केतु प्रभावित होने के कारण जो है वो विशेष जो परीक्षा के समय जो होता है उसकी भीड़ देख करके, उसकी माहौल देख करके, उसकी जो आपको जो परीक्षा एग्जाम का जो माहौल और पोजिशन को देख करके वो बच्चे घबरा जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि मेमोरी में तरह तरह का निगेटिव चीज़ आता है, जो पढ़ते हैं वो चीज़ नहीं या वो कर पाते हैं, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड लुप्त होने जाता है। तो इसमें क्या उपाय है? इसमें सबसे बड़ा चीज़ उपाय है कि उस माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप अपने बच्चे को अगर आप पढ़ाते हैं तो उसकी जो स्टडी रूम है, उसकी जो पढ़ने का जो रूम है, उस रूम में जो है बच्चे का मुँह जो है हमेशा जो है उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए, और पीठ हमेशा पीछे की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ। और जो जो आपको टीचर है, जो प्राइवेट टीचर आता है, चाहे आप अपने माता पिता को जो मिल करके जो बच्चे को क्लास लेते हैं, आपके मुंह हमेशा दक्षिण होना चाहिए, और उत्तर दिशा में माता सरस्वती की एक फ़ोटो होना चाहिए, और माता सरस्वती को फोटो में रख करके बच्चे को स्टडी करने से पहले प्रत्येक दिन जो है कम से कम 2 मिनट तक ध्यान करके माता सरस्वती की आराधना करें, उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसा करने से निश्चित तौर से जो है बच्चे का जो है परीक्षा में इम्तिहान में सफलता मिलेगी, ये मेरा माना हुआ चीज़ है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये तो आपने हमें बताया कि नज़र लगने के बाद क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि रोग के आने के पहले ही हम उसे क्यों ना रोक दे, तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं कि हमें नज़र लगे ही ना? हाँ, उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे आसान और सरल तरीका बता देते हैं। किसी भी बच्चे अगर पढ़ने में बहुत तेज है और उसका जो है देखने में भी तेज ठीक ठाक है तो उसमें किसी का नज़र नहीं लगे जी। इसके लिए एक उपाय है, शनिवार के दिन में किसी भी 3 ठो अंधा आदमी को नाम ले करके, जैसे 3 अंधा आदमी का होना चाहिए, चाहे काना आदमी एक हाथ से जो काना हो उनका भी नाम ले सकते हैं, जो दोनों आँख से अंधा है उसका भी नाम ले सकते हैं, वो हाँ नाम, और उसकी जो नाम ले करके वो धागा में 7 ठो गांठ मार देना है, काला धागा में, और काला धागा में 7 गांठ लगा करके उस बच्चे का हाथ में कलाई में बांध दे या उसका गला में उसको बांध दे। वैसा करने से जो होता है कि बराबर के लिए जो है आपका नज़र टोक से आपको सुरक्षा मिलेगी और उसमें सफलता आपको हमेशा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए। फिलहाल इतना ही, आप सभी देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।